नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम लोग एक नए इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, एक नया इन्वेस्टमेंट स्टॉक देखेंगे जिसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और जिसमें हम लोग एक तरह से इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो इस स्टॉक्स को मैंने पहले से होल्ड किया है, आज सुबह ही लिया था मैंने, आज सुबह ही इस स्टॉक्स को होल्ड किया था और लगभग लगभग मुझे एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से इसने दे दिया, यानी कि एक तरह से मेरी इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई। लेकिन जैसे ही मैंने इसको 3.25 देखा तो फिर मेरे को ये लगा कि ये स्टॉक एक अच्छा सा ब्रेकआउट दे रहा है और ब्रेकआउट देने के बाद ये अच्छी सी इसके अंदर एक पोजीशन बन सकती है। हमें एक ये मान के चलिए ओवरऑल एक हमें बुलिश स्टॉक्स मिल गया और उसकी मोमेंटम इतनी अच्छी मोमेंटम थी तो वो स्टॉक है वो मेरे को मोमेंटम के हिसाब से भी मिल गया, अपनी लिस्ट में भी वो स्टॉक आ गया। तो सबसे पहले मैं लिस्ट में दिखाता हूँ कि ये देखिए स्टॉकेज का एक प्लेटफॉर्म है, काफ़ी पहले चर्चा हम लोग कर चुके हैं तो वहाँ से मैं आपको लेके आ गया हूँ और उसके बाद मैं सीधा चलता हूँ इसके प्रीमियम एनालिटिक्स पे, प्रीमियम एनालिटिक्स पे सीधा चलता हूँ। तो ये स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं और क्लिक करने के बाद वन डे बुलिश स्ट्रैटेजी, ये वन डे बुलिश स्ट्रैटेजी है और कॉमन मोमेंटम, तो ये कॉमन मोमेंटम है। ये वाले मेरे को आज जो भी मोमेंटम स्टॉक थे वो मेरे सामने आ चुके हैं, लगभग लगभग सारे के सारे स्टॉक अच्छी मोमेंट पे हैं और लगभग कहीं ना कहीं ब्रेकआउट भी मिला है। लेकिन ये जो स्टॉक है नीचे वाला वैभव ग्लोबल, ये स्टॉक काफ़ी अच्छा स्टॉक है और इसको मैं एक तरह से देखता हूँ अगर इसका डिलीवरी परसेंटेज, सबसे पहले तो ये देखिए वैभव ग्लोबल ने 10 साल अगर आपने होल्ड किया है तो 263% का रिटर्न। स्मॉल कैप कंपनी है, 8000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, तो इस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात इसके अंदर हम लोग डिलीवरी चेक करते हैं कि डिलीवरी इसके अंदर कितनी क्या डिलीवरी आई है। तो ये देखिए आज के दिन इसके अंदर डिलीवरी का जो एवरेज रिटर्न है वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी परसेंटेज के हिसाब से इसमें डिलीवरी आ गई है और काफ़ी दिनों से डिलीवरी के हिसाब से चली रहा है, देख लीजिएगा। अगर वीकली डिलीवरी की बात करूँ तो देखिए वीकली डिलीवरी में भी काफ़ी अच्छी डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर हो रही है। उसके बाद थोड़ा सा मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाऊंगा। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए प्रमोटर के पास लगभग, प्रमोटर ने इस क्वार्टर के अंदर अपना स्टॉक बढ़ा लिया है और पब्लिक ने अपना स्टॉक है वो कम किया है। उसके बाद FII ने भी अपना स्टॉक कम किया है, DII ने अपना स्टॉक कम किया है और फॉरेन इंस्टीट्यूट ने नॉन इंस्टीट्यूशनल जो भी हैं उन्होंने अपना जो स्टॉक वो बढ़ा लिया है। तो प्रमोटर ने बढ़ाया इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ अच्छा होने वाला है, मेरा ये मानना है। म्यूचुअल फंड की मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड ने देखिए दिसंबर के महीने में, ये देखिए इसमें काफ़ी सारे चेंजमेंट हुए हैं दिसंबर के महीने में, काफ़ी इसको ख़रीदा भी है काफ़ी बेचा भी है। अगर मैं नवंबर की बात करूँ तो हर एक म्यूचुअल फंड ने स्टॉक को भर भर के लिया, कहीं किसी ने नहीं बेचा, हर एक स्टॉक इसने फंड ने म्यूचुअल फंड ने इसको अच्छी तरीके से भर भर के लिया है। सबसे ऊपर देखिए मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप फंड है, उसने कितनी बड़ी क्वांटिटी यहाँ से उठा रखी है, कितनी बड़ी क्वांटिटी इसने यहाँ से उठा रखी है। तो ये मान के चलिए कि ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि लोगों ने अभी से स्टॉक्स को, अभी से स्टॉक्स के अंदर अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढ कर बैठ गए हैं और अभी से स्टॉक हमें आज के दिन हमें स्टॉक्स मिला है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले से ही इसके अंदर बाइंग चल रही है। आज तो सिर्फ हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इस स्टॉक्स के अंदर कहीं ना कहीं अपना पार्टिसिपेशन करें। तो चलिए इस स्टॉक्स को स्क्रीन पे लगाते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से कुछ स्टॉक्स अच्छा है। 2004-05 में लिस्टेड हुआ था और उसके बाद इसने एक हाई बनाया था 2014 में जो कि 181 का था और उसके बाद एक और हाई बनाया जो कि ऑल टाइम हाई है, वो है इसका 2021 के अंदर इसने एक हाई बनाया, उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूसली करेक्ट होता हुआ गया। उसके बाद मंथली चार्ट के ऊपर ये एक देखिए राउंड पैटर्न बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, आधा बॉटम बनाए और उसके बाद धीरे धीरे पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये मान के चलिए कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये अपने ऑल टाइम हाई के बिल्कुल बिल्कुल नज़दीक जाएगा और ये पैटर्न हमें पूरा का पूरा कंप्लीट देखने को मिलेगा।
तो चलिए इसी का ही कुछ एनालिसिस करते हैं अपन। तो सबसे पहले हम लोग मंथली एनालिसिस में, हमने देख लिया कि मंथली एनालिसिस में पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। वीकली एनालिसिस के अंदर कहीं ना कहीं इसके अंदर एक ब्रेकआउट अपन को मिल रहा है, लेकिन इसका जो एनालिसिस करने का तरीका है वो मैं डेली चार्ट से शुरू करूँगा। इसका जो एनालिसिस करने का तरीका डेली चार्ट से शुरू करूँगा। अब डेली चार्ट से शुरू करने का रीज़न मैं आपको दिखाता हूँ, डेली चार्ट से क्यों करूँगा। ये देखिए, ये तो आज की कैंडल है, ये तो आज की कैंडल है, लगभग 8% की तेजी है आज के दिन। लेकिन ये देखिए, सबसे पहले स्टॉक्स ने क्या किया, ये एक हाई था स्टॉक का, और इस हाई ने, इस हाई को मैंने, ये यहाँ पे करेक्ट नहीं बैठ रहा, जस्ट बिल्कुल ये देखिए, इस हाई से मैंने इस हाई के अंदर इसको मिला दिया। तो स्टॉक्स ने काफ़ी बार यहाँ पे एक अपनी वो मान के चलिए, देखिए एक बार तो स्टॉक्स ने ये यहाँ पे उसको, ये तो उसका मेन पॉइंट है, उसके बाद सेकंड टाइम अटेम्प्ट किया, उसके बाद थर्ड टाइम इसने अटेम्प्ट किया, फोर्थ टाइम अटेम्प्ट किया, फिफ्थ टाइम अटेम्प्ट किया और सिक्स टाइम अटेम्प्ट किया। तो ये सारे रीज़न थे मेरे लिए, ये सारे रीज़न थे कि यहाँ से स्टॉक्स ने कहीं ना कहीं इसको इन्होंने अटेम्प्ट किया है। तो ये मान के चलिए कि इस स्टॉक्स में कहीं ना कहीं एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मेरे को देखने को मिलेगी इस स्टॉक्स के अंदर, कहीं ना कहीं मेरे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, जस्ट वन मिनट। अरे यार क्या हो गया, जस्ट ए सेकेंड। हाँ अब देखिए, ये तो आज की कैंडल थी, अब ये कल इसने जो ब्रेकआउट दिया था वो यहाँ तक का ब्रेकआउट दिया था आपके सामने, ये अच्छा भला ब्रेकआउट दिया था, 3:15 बजे मैंने इसमें एंट्री कर ली थी। एंट्री करने के बाद मेरा जो टारगेट था वो काफ़ी बड़ा नहीं था, मेरा टारगेट बिल्कुल छोटा था, कि मैं ये सोच रहा था कि कल इसी अंदर अगर मोमेंटम आती है तो लगभग ये इसका ऑल टाइम हाई है, मैं इसमें यहाँ पर एग्जिट कर लूँगा, अपनी पोजीशन है वो यहाँ पे एग्जिट कर लूँगा। तो मेरी जो एंट्री हुई थी वो रियल 450 रुपये पर एंट्री हुई थी, और मेरा टारगेट बिल्कुल छोटा सा था, 470 रुपये का मेरा इसमें टारगेट था। अब ये सोच रहा था कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट इसने दिया है, तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के हिसाब से अगर मेरी एंट्री हो जाती तो मेरा जो टारगेट है वो काफ़ी छोटा है, तो मेरे को ये मान के चलिए कि यहाँ से लगभग लगभग 5 या 10% का मूवमेंट मिल जाए मेरे लिए द बेस्ट है, कि क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग एक तरह से इसमें हो जाएगी अगर एक दिन में टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने इसमें कुछ अपना स्टेक लिया थोड़ा बहुत ट्रेडिंग के पर्पज़ से, और उसके बाद ये स्टॉक्स ने आज सुबह मैंने ऑर्डर डाला इसमें 450 का, तो ऑर्डर इसने एग्जैक्ट ले लिया यहाँ पे 450 का, और उसने एक ही झटके में यानी कि कुछ देर बाद 470 पे मेरा टारगेट हिट कर दिया, और उसके बाद ये ऊपर तक चला गया। तो फिर मैंने ये सोचा कि चलो ठीक है, ये स्टॉक मेरे को अच्छा लगा है, काफ़ी अच्छा है, बुलिश है, सब कुछ इसका ठीक है, लेकिन ये स्टॉक्स अगर मेरे को 670 पे क्लोजिंग देता है तो मैं इस स्टॉक्स के अंदर कहीं ना कहीं अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से देखूंगा। तो ये देखिए, 3:30 बजे जैसे ही मार्केट क्लोज हुआ तो मैंने इसको देखा, तो मेरा जो इसके अंदर ब्रेकआउट है वो लगभग आ चुका था, कन्फर्म ब्रेकआउट था, और कन्फर्म ब्रेकआउट के हिसाब से मैंने इसमें वॉल्यूम भी चेक किए, तो वॉल्यूम भी देखिए डिसेंट वॉल्यूम मेरे को यहाँ पर देखने को मिले, तो ये दोनों चीज़ें मेरे लिए मैच हो गई। अब उसके बाद मैंने ये सोचा कि चलो इसमें अपन डेली ट्रेडिंग करेंगे तो अपने लेवल्स वगैरह कहाँ पे क्या रखेंगे, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे, कि मेरा यहाँ पे किसी भी तरीके का बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको जो स्टॉक्स बता रहा हूँ वो केवल एजुकेशन पर्पस वीडियो में स्टॉक्स बता रहा हूँ, केवल सीखने के लिए आपको बता रहा हूँ, तो प्योर मेरा एजुकेशन पर्पस ये वीडियो बनाने का पर्पस है। दूसरा ये बताता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप मेरे चैनल पर अभी अभी आए हो, नए हो, तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने जितने भी मेरे वीडियोस हैं वो सारे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मेरे साथ सीखिए प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है। तो आई होप दैट, उम्मीद करता हूँ कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि सब्सक्राइब है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर होंगे तो ये मान के चलिए जो एजुकेशनल पर्पज़ जो वीडियो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेंगे। तो उम्मीद करता हूँ एक बार फिर कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलो अब इसी का अपन कुछ एनालिसिस कर लेते हैं, कि ये देखिए कि अब इसी स्टॉक्स के अंदर मेरे को वापस अगर रीएंट्री करूँ मैं,
तो इसी स्टॉक्स के अंदर कहाँ पे मैं एंट्री करूँ, कहाँ पे मैं अपनी एंट्री करूँ, कहाँ पे मैं अपना एशल लगाऊँ और कहाँ पे मैं अपना टारगेट रखूँ। तो सबसे पहले जो एंट्री की बात आई है, तो एंट्री अपन करेंगे तो एंट्री तो अपन उसी मोड में करेंगे कि जैसे ही स्टॉक नीचे करेक्ट हुआ और करेक्ट होने के बाद ऊपर जाएगा तो अपन एंट्री करेंगे। यानी कि ये जो लेवल अपना लगभग 470 का लेवल है, यहाँ से ही अपनी लगभग लगभग एंट्री यहाँ पे होगी। तो अगर मेरी एंट्री यहाँ पे होती है तो मैं इसी स्टॉक्स के अंदर 470 रुपये से 475 रुपये के बीच में कहीं पे भी एंट्री इसमें लूँगा। 475 के ऊपर मैं कोई भी इसमें एंट्री नहीं लूँगा, लेकिन क्योंकि इसमें उसके बाद अपना जो रिस्क रिवॉर्ड है काफ़ी बिगड़ जाता है। तो 470 से 475 रुपये मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मैं इसमें यहाँ पे एक अच्छी एंट्री ले सकता हूँ। एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस की बारी आती है, तो सबसे पहले मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखूँगा। तो स्टॉप लॉस है मेरा 443, 443 रुपये मेरा स्टॉप लॉस है। तो अगर मेरी एंट्री 475 रुपये होती है, अगर मेरी एंट्री यहाँ पे 475 रुपये होती है तो मेरा 30 रुपये का स्टॉप लॉस है, और 475 रुपये होती है तो 35 to 38 रुपीज़ मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे बैठेगा। क्योंकि देखिए टारगेट अपना बड़ा है तो टारगेट के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये एंट्री अपनी हो गई और अपना स्टॉप लॉस हो गया। स्टॉप लॉस पहले अपन डिफाइन करेंगे, क्योंकि अपन स्टॉक लेने से पहले ये मान के चले रिस्क डिफाइन कर देंगे कि भाई जाने के लिए मेरे पास कितने रुपए हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात, मैंने चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट किया है, और जूम आउट करने के बाद एक लेवल और मिला है यहाँ पे मेरे को, ये वाला लेवल मिला है। तो जब मेरी एंट्री 470 से 475 रुपये के बीच में हो जाएगी और मेरा फर्स्ट टारगेट है 520 रुपये का, ये मेरा अटेम्प्ट हो जाएगा, तो लगभग लगभग मेरे पास यहाँ पे पॉइंट हैं वो मेरे को गेन करने के लिए मिलेंगे लगभग 50 पॉइंट, लगभग 50 पॉइंट मेरे को यहाँ पे गेन करने के लिए मिलेंगे। तो मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी फेवरेबल है। 1.1 = 1.2 का मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड इसके अंदर रहेगा, इस ट्रेड के अंदर। लेकिन अगर ये स्टॉक, ये इसका नेक्स्ट लेवल 637 का जो नेक्स्ट मूव है वहाँ तक चला जाता है, तो उसके बाद मेरा रिस्क रिवॉर्ड है वो काफ़ी फेवरेबल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों लेवल्स हैं ये मेरे लिए यहाँ पे अच्छे रहेंगे और मेरा जो टारगेट है वो अचीव रहेगा। लेकिन ये मान के चलिए कि अगर इसी स्टॉक्स के अंदर इसी लेवल पे 470 के लेवल पे अगर वीकली क्लोजिंग आ जाती है तो फिर हम क्या करेंगे। तो अगर इसी स्टॉक्स के अंदर वीकली क्लोजिंग आती है तो हम लोग वीकली चार्ट एक बार देखेंगे, और वीकली चार्ट के हिसाब से देखिए ये मैंने आपको जो बताया है, जो मैंने आपको बताया, मैं इनको एक बार डिलीट करता हूँ, वही लेवल्स अपने काम करेंगे। तो वीकली लेवल के हिसाब से ये देखिए, ये एक यहाँ पे फ्लैग पैटर्न हो जाएगा, ये एक यहाँ पे ये फ्लैग पैटर्न हो जाएगा। थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से ये एक फ्लैग पैटर्न का भी काम करेगा, और यहाँ से ये कुछ इस तरीके से, कुछ थोड़ा सा अच्छा नहीं बना तो मैं थोड़ा सा अच्छा बना के दिखाता हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड। ये वाला था यहाँ पे, और मैं इसको एक फ्लैग पैटर्न देने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ से स्टॉक्स ने एक तरह से ब्रेकआउट दिया, और यहाँ से इसने एक तरह से ब्रेकआउट दिया है, नीचे से भी सपोर्ट है, और उसके बाद ये वाला, ये क्या पे फ्लैग पैटर्न मेरे को दिखाई दे रहा है। फ्लैग पैटर्न का टारगेट, सॉरी, फ्लैग पैटर्न का पैटर्न अपने पास आ चुका है, और उसके बाद मंथली के अंदर अगर ये ब्रेकआउट कंफर्म रहेगा तो ये मान के चलिए वही 470 से 475 का लेवल अपन को देखने को मिलेगा एंट्री करने के लिए, और अपना स्टॉप लॉस वो काफ़ी फिर छोटा हो जाएगा, सॉरी बड़ा हो जाएगा, स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाएगा। फिर 418 रुपये ब्रेकआउट कैंडल का लो ही स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे मान के चलूँगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये वाली ट्रेंड लाइन में हटाता हूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात, एक चीज़ और मेरे को यहाँ पे देखने को मिली है, जो कि आपको भी शायद दिखाई दे रही होगी, कि ये जो स्टॉक है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कैंडल के अंदर अभी रन कर रहा है। आज मतलब आज पहली बार ये अपने इस जोन से बाहर निकला है, यानी कि ये इनसाइड बार कैंडल का भी ये स्टॉक यहाँ पे काम कर रहा है। और अगर जैसे ही
मंथली वीकली चार्ट पे यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज हो जाता है, तो ये फिर ये मान के चलिए ये फिर यहाँ से काफ़ी बुलिश हो जाएगा, क्योंकि जो मोमेंटम आती है छोटे टाइम फ्रेम से आती है। और अगर यहाँ से ये स्टॉक अपने लेवल पे आया और आने के बाद अपन इसमें एंट्री करी अपन ने, और करने के बाद अपना जो फर्स्ट लेवल है वो ये वाला जो पहले ही अपन ने 4520 रुपये का मेंशन कर दिया था डेली चार्ट पे, सेकंड लेवल है वो मेरा 637 रुपये का वो मैंने मेंशन कर दिया था, और लास्ट जो मेरा टारगेट है फाइनल टारगेट है वो मेरा ऑल टाइम हाई है 1050, ये मेरा ऑल टाइम हाई है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं वीकली चार्ट के हिसाब से। लेकिन अगर इसी स्टॉक्स के अंदर मंथली क्लोजिंग भी अगर आती है, मंथली क्लोजिंग भी ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, तो मंथली क्लोजिंग इसी स्टॉक्स में आती है तो फिर हमारा ये जो लेवल है ये वाला किसी काम का नहीं है, ये वाला किसी काम का नहीं है, क्योंकि फिर तो हम प्योर एंड प्योर पूरा का पूरा एक तरह से इन्वेस्टमेंट करके ही बैठेंगे। मंथली चार्ट पे तो इन्वेस्टमेंट ही करेंगे, क्योंकि एक कम से कम उसका टाइम होराइजन है वो लगभग लगभग एक साल का होगा। तो मंथली चार्ट के हिसाब से अगर ये इनसाइड बार पैटर्न में अपन को मिलता है तो अपना जो लेवल बाइंग लेवल है वो एग्जैक्ट वही रहेगा 470 रुपये से 475 रुपये पे, लेकिन फिर इसका स्टॉप लॉस वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ये वाला स्टॉप लॉस इसका रह जाएगा 393, जो कि काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस है 393। लेकिन यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है कि ये एक पूरी तरह से इनसाइड बार पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। तो अगर ये मान के चलो ये स्टॉक्स आपको 470 से 475 रुपए के बीच में अपन को मिलता है, और उसके बाद इस स्टॉक्स के अंदर स्टॉप लॉस 393 रुपए का अपन लगा देते हैं, तो फिर अपन को तो फिर इन्वेस्टमेंट करके बैठना ही है, रोज़ रोज़ देखना नहीं है, मंथ के एंड में अपन को एक बार देखना है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसमें कहाँ और कितनी ग्रोथ हो गई है। तो अगर मैं बात करूँ आपकी ग्रोथ की, तो अगर ये स्टॉक्स अपना टारगेट ऑल टाइम हाई का अगर टच कर दे तो फिर कितना मोमेंटम इसके अंदर मिल सकता है, तो ये अपन का देखिए 123% का रिटर्न हमें यहाँ पे अच्छा वाला देखने को मिलेगा इस स्टॉक्स के अंदर, 123% का रिटर्न अपने को देखने को मिलेगा, और टोटल पॉइंट हमें गेन करने को मिलेंगे 578 पॉइंट। तो ये वाला था आज का मेरा एनालिसिस वैभव ग्लोबल का, काफ़ी अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आपको पसंद आए तो आप इसको ज़रूर से एक बार लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, और शेयर के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।